खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के हिलोली ब्लॉक क्षेत्र से आ रही। विकास कार्य को लेकर प्रधान संघ अध्यक्ष से की गई वार्ता। आपको बताते चले कि उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलोली की ग्राम पंचायत गुलरिया के प्रधान से हमारे सहयोगी ने की विकास कार्यों पर चर्चा। गुलरिया प्रधान योगेंद्र सिंह उर्फ भोले ने बताया कि मेरा राजनीति में आना एक एक्सीडेंट था। ग्राम पंचायत की जनता पूर्व के प्रधान से त्रस्त होकर मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कहा। गांव के लोगों के आदेश और निवेदन को नहीं काट सका, इसीलिए चुनाव में उतरना पड़ा। आइए देखते हैं प्रधान संघ अध्यक्ष योगेंद्र सिंह उर्फ भोले ने हमारे सहयोगी से क्या बताया। प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं और ऐसे रिकॉर्डों को तोड़ा है कि 40 वर्ष के लगातार के साम्राज्य को तोड़ करके युवा पीढ़ी को बढ़ावा देने वाले एक ऐसे प्रधान हमारे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप राजनीति के क्षेत्र में आ गए, क्योंकि आप तो एक व्यवसायी थे? नहीं, हम तो व्यवसायी थे, लेकिन ये मान के चलिए कि एक्सीडेंटल हम राजनीति में आ गए। राजनीति से हमारा या हमारे परिवार का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन इत्तेफाक मानिए और आम जनमानस की आवाज राजनीति में आए और हमारी ग्राम सभा ने हमको प्रधान बनाया। आज तक प्रधान बनने के बाद जी क्या आम जनता के बीच में आपने विकास कार्य कराए? अब हम विकास के लिए तो आए ही थे और विकास हुआ भी है। अब हमारे यहाँ गुलरिहा की आम जनता बोल रही है कि पिछला कार्यकाल कैसा था, 40 साल कैसे बीते। अब जो है माननीय विधायक जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से गुलरिहा में चारों तरफ रोडें बन गई हैं, इंटरलॉकिंग हो गई है, नाली हो गई है, मंडी समिति हो या जो है PWD हो या विधायक निधि हो, हर जगह पे हम काम लाए हैं और गुलरिहा में चारों विकास हुआ है। गुलरिया में चारों तरफ विकास हुआ है और 2024 का आगाज हो चुका है और 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या आपका लक्ष्य है कि अभी जो बचे हूँ कुछ विकास कार्य, उनको किस तरीके से आम जनता के बीच में पहुँचाएंगे? आम जनता के लिए प्रधान बने हुए हैं और हम डेली जनसेवा में ही रहते हैं। पर डे बैठ के हम 4-5 घंटे तो पब्लिक के सेवा में रहते ही हैं, आम जनमानस की बातें सुनते हैं और जो विकास का मुद्दा है तो ये मान के चलिए कि हमारे 3-4 गांव भी रोड से जुड़े नहीं हैं, इनको भी हम 2024 तो नहीं लेकिन 26 के पहले पहले तक जोड़ देंगे, रोड से जोड़ देंगे। पूर्व विधायक जी का क्या समर्थन और सहयोग आपके ग्राम पंचायत में? अब पूर्व विधायक अनिल सिंह हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं के सहयोग से सारा काम चल रहा है। वो हर जगह पे विकास के मुद्दे पे हर तरह के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। अभी हमारे यहाँ जो है 2 रोड मंडी समिति से दिया है, त्वरित आर्थिक से 1 रोड दिया है, PWD से मरम्मत के काम और नई रोडें भी स्वीकृत कराई हैं। अभी 1 रोड और होने जा रही है विश्वनाथ खेड़ा से भैया खेड़ा, और ये हमारा विधायक जी से वादा था, विधायक जी ने खुद कहा था कि इन्हीं 5 वर्षों में आपके हर गांव को हम रोड से जोड़ देंगे। और मंडी समिति से हमारे यहाँ विधायक जी ने 2 बाजार भी करवाई है, उनमें भी काम चालू होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विकास के कार्यों को लेकर के हमारे साथ बात कर रहे थे भोले सिंह जो यहाँ के प्रधान है, विकास को लेकर के एक कहा जाए कि आम जनता में एक विशेष तरह की चर्चा है। आम जनता से भी हमने जब बात किया तो आम जनता के विकास होना चाहिए, तो जैसा इन विगत 2-3 वर्षों के बीच में हुआ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने यहां तक भी बताया कि इस तरह के विकास कार्य की रूपरेखा या इस तरह के प्रधान का प्रतिनिधित्व करना अन्य लोगों में अभी तक नहीं हुआ।